अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इट्स अ क्राफ्ट डीआईवाई। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे वॉल डेकोर, वो भी घर की चीज़ों को यूज़ करते हुए। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पेपर के पीसेस कर लेने हैं इस साइज़ में। फिर मैंने ये कार्डबोर्ड के दो फ्रेम कट कर लिए हैं। इसके बाद हम ये ग्लू में थोड़ा पानी मिक्स करेंगे। अब इस ग्लू की हेल्प से हम इस छोटे छोटे पेपर के पीसेस को इस फ्रेम पर स्टिक करते जाएंगे और इसके एजेस जो हैं वो कवर करते जाएंगे। आप यहाँ टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं या कोई और पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर पेपर इसलिए स्टिक कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस पर कलर करना है। अगर आप इसके ऊपर गिफ्ट रैपर जो है स्टिक करते हैं तो आपको कलर करने की ज़रूरत नहीं है। और अब मैं इसको ड्राई कर लूँगी। ड्राई करने के बाद मैं इसके ऊपर ब्लैक कलर अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपके पास एक्रेलिक कलर नहीं है तो आप इसके ऊपर गिफ्ट पेपर स्टिक कर सकते हैं। अलग अलग प्रिंट में आता है गिफ्ट पेपर, और आप इसके ऊपर वॉल पेपर भी स्टिक कर सकते हैं। आप इसके ऊपर ऐसे सादा पेपर जो आता है कलरफुल, वो भी स्टिक कर सकते हैं ब्लैक कलर में। अगर आपने ब्लैक कलर में ही आपको चाहिए तो आप वो भी स्टिक कर सकते हैं इसके ऊपर। मैं इसके ऊपर कलर अप्लाई कर रही हूँ। दोनों फ्रेम पे हमने ये कलर अप्लाई कर दिया है। अब मेरे पास यहाँ पर कुछ ये पेपर शीट हैं और ये ऐसे ही फालतू हैं, तो मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। आप इसकी जगह कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेम के इसके ऊपर रख के फ्रेम के ही साइज़ का हमने ये कट कर लेना है। और मेरे को नीचे से थोड़ा छोटा पड़ रहा था तो मैं यहाँ पर दूसरा पीस इसके ऊपर ग्लू से स्टिक कर रही हूँ ताकि मेरे पूरे फ्रेम पे ये शीट आ सके। और अब देखिए ये ट्विस्ट है। ये ट्विस्ट ये है कि ये मेरे पास फैब्रिक है, फैब्रिक एम्ब्रॉयडर्ड है, तो ये स्लीव्स हैं। स्लीव्स हैं, ये इसका फ्रंट है और ये दो स्लीव्स हैं। ये मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ तो मैं इसे फ्रेम करने वाली हूँ। ये फ्रेम में बहुत ही अच्छी लग रही हैं। तो ग्लू गन की हेल्प से हम इस फ्रेम को इसके ऊपर स्टिक करेंगे ताकि ये बिल्कुल सेंटर में आए। हमने ये फैब्रिक इस तरीके से स्टिक करना है कि इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आए। थोड़ा थोड़ा करके स्टिक करें और इसे बिल्कुल टाइट करके स्टिक करें ताकि इसके अंदर कोई भी लचक ना रहे। अब हमने इसकी बैक साइड पर ये शीट स्टिक करनी है, तो मैं इस स्लिप्स को बिल्कुल भी कट नहीं कर रही हूँ। मैं इसको इस शीट के ऊपर ही स्टिक करूँगी, मोड़ दूँगी इसी के ऊपर, क्या पता मुझे बाद में ज़रूरत पड़ जाए। और मैं आपको बता दूँ कि ये स्लिप्स मुझे सिर्फ 10 रुपीज़ ईच पड़ी है, यानी कि दो स्लिप्स मुझे 20 रुपीज़ की पड़ी हैं। और ये मैंने यहीं हमारे करीब बुध बाज़ार लगता है वहाँ से ली है। और इसका जो आगे का फ्रंट है, गला है, वो भी मैंने 10 रुपीज़ में ही बाई किया, यानी कि ये पूरा सेट फुल 30 रुपीज़ में, तो ये मुझे ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा। और ये वॉल डेकोर एकदम क्लासी बनकर आ रहा है। आप यहाँ पर कोई भी एम्ब्रॉयडर्ड या प्रिंटेड फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। अब इस फ्रेम को सिक्योर करने के लिए हम यहाँ पर प्लास्टिक शीट यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैं इसके ऊपर प्लास्टिक पूरी रैप कर दूंगी ताकि हम इसके ऊपर जो भी डस्ट वगैरह हो वो आसानी से साफ़ हो जाए और ये ज़्यादा गंदा ना लगे। तो बहुत ही कम बजट में हमने ये बहुत ही अच्छा वॉल डेकोर तैयार कर लिया है। अगर आपको मेरा ये DIY अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।